हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप्स टू ग्रो एंड माय नेम इज़ पारुल। ये वीडियो एक क्विक रिमाइंडर है आप लोगों के लिए कि IBPS क्लेरिकल एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है। आई होप आपको पता होगा, नहीं पता तो अभी पता लग जाएगा, ठीक है। तो IBPS क्लेरिकल एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है। अगर आप लोग बैंकिंग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली फिल दिस एग्ज़ाम अप, इसकी तैयारी में जुट जाओ। आई होप आप लोग तैयारी जो SBI क्लेरिकल की कर रहे थे उनके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसलिए आप इस एग्ज़ाम को फिल करिए। इन केस आपका SBI क्लेरिकल किसी वजह से रह जाता है, क्योंकि उसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, एग्ज़ाम लेवल डिफ़िकल्ट होता है, तो यू हैव एटलीस्ट समथिंग इन हैंड इफ़ यू आर यू नो फिलिंग अप दिस एग्ज़ाम। तो इसको जल्दी से फिल करिए। नोटिफिकेशन में पूरी स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं कि क्या क्वालिफिकेशंस हैं और क्या क्या आप लोगों को चाहिए ये एग्ज़ाम यू नो फिल करने के लिए। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए। अभी मैं आप लोगों को क्विकली एक बार ये बता देती हूँ कि प्रीलिम्स की डेट क्या बताई जा रही है और मेंस की डेट क्या बताई जा रही है, ताकि उस तरीके से आप लोग थोड़ा प्रिपेयर्ड रह सकें। ओके, तो इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है 29 अगस्त को, 28 अगस्त को, 4 सितंबर एंड 5 सितंबर। ये चार डेट्स जो हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए डिसाइड की गई हैं। और इसका मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है 31 अक्टूबर को। इसी डेट को लास्ट ईयर मेरा SBI क्लेरिकल का मेंस एग्जामिनेशन हुआ था, तो दैट वाज वेरी यू नो गुड फॉर मी। वो दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था, तो आई होप आप लोगों के लिए भी वो दिन बहुत अच्छा रहे। ऑल माई ब्लेसिंग्स आर विद यू फ्रेंड्स। जल्दी से तैयारी में जुट जाओ, अच्छे से करो। आई होप आप लोग पहले ही कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लो, बट स्टिल आई थिंक अगर आप लोग बैंकिंग की लाइन में आ गए हो तो डोंट जस्ट यू नो ऐसे नहीं सोचना कि ये वाला एग्ज़ाम छोड़ दूँ। सभी एग्ज़ाम्स को फिल करो, इट्स फाइन। इट्स नॉट लाइक कि आप लोग आगे एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते। छोटा एग्ज़ाम निकलता है तो छोटा ही निकाल लो, नेक्स्ट ईयर आप लोग बड़ा एग्ज़ाम यू नो दे सकते हो। सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज़ कि जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, तैयारी में लग जाइए, प्रीलिम्स के बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करने में जुट जाइए और करंट अफेयर्स डेली पढ़ते रहिए। दिस इज़ वेरी इनिशियल स्टेज। आई होप आप लोग थोड़ी प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुके हो, दिस टाइम यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। तो अगर अभी आप लोग मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेंस की तैयारी ऑब्वियसली सबसे आगे रखिए, और प्रीलिम्स की तैयारी ऑलरेडी है उसको थोड़ा सा ब्रश अप करिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन माई नेक्स्ट वन। फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, मैं आप लोगों के लिए कोई भी मटीरियल अगर मुझे मिलता है IBPS क्लेरिकल से रिलेटेड, मेंस या फिर प्रीलिम्स या फिर कोई ई बुक्स, आई विल डेफिनेटली पुट देम इन कमेंट्स। और एक और चीज़, मैं सिर्फ फ्री सोर्सेज ही आप लोगों को रेकमेंड करूँगी, कोई भी पेड सोर्स मैं नहीं रेकमेंड कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट नो, बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करते रहते हैं कि दिस इज़ स्पॉन्सर्ड, दिस इज़ स्पॉन्सर्ड, इसलिए मैं आपसे आप लोगों को कोई भी पेड सोर्सेज नहीं बताने वाली हूँ। अगर आप लोग चाहते हो मैं पेड सोर्सेज भी आपको रेकमेंड करूँ तो यू कैन पुट दैट डाउन इन द कमेंट्स बिलो। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को फ्री सोर्सेज प्रोवाइड करती रहूँगी, जितने भी मुझे फ्री सोर्सेज लगेंगे कि अच्छे हैं, आई विल कीप पुटिंग देम डाउन इन द डिस्क्रिप्शन एंड माई पिंड कमेंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।